नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज की बड़ी खबर है वो संवाद जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वो चिट्ठी जो कृषि मंत्री ने लिखी और वो राजनीतिक सीन जो दिल्ली विधानसभा के अंदर देखने को मिला। देश की सर्वोच्च अदालत ने प्रदर्शन को किसानों का अधिकार बताया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सरकार को सलाह दी है कि वो कुछ वक्त के लिए कृषि कानूनों को होल्ड पर रखने पर विचार करे और कोर्ट ने खुद मामले की सुनवाई टाल दी, यानी सब कुछ होल्ड पर। और ज्यादा समय तक होल्ड रहने पर आंदोलन में अवसर दिखने लगते हैं, जैसा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने आज दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून की कॉपी फाड़कर सरकार का विरोध किया। तो कृषि मंत्री ने किसानों को 8 पन्ने की चिट्ठी लिखकर भ्रम दूर करने की एक और कोशिश की। प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि कृषि मंत्री की चिट्ठी सभी को पढ़नी चाहिए, यानी एक तरफ किसानों का आंदोलन है, सामने सरकार भी आंदोलन की ही तरह जगह जगह रैलियां करके जानकारियां बांट रही है और इन आंदोलनों के बीच विपक्ष भी अपने अस्तित्व के लिए आंदोलन ढूंढ रहा है। सवाल यह है कि ऐसे में समाधान निकालने वाला फॉर्मूला क्या हो सकता है। इसके बाद भारत में लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का पूरा प्लान आपके सामने रखेंगे। कोरोना टीकाकरण जमीनी स्तर पर बहुत जिम्मेदारी का काम है और बहुत बड़ा श्रम है। भारत इस श्रम के लिए किस तरह तैयार हो रहा है, वैक्सीन की कीमत क्या होगी, कौन से कागजात लगेंगे, वैक्सीन लगवाने पर किस प्रक्रिया का पालन करना होगा, ये सब 9:30 बजे देखिएगा। इसके अलावा आपको भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों के स्टेशन पर ले चलेंगे। 55 साल पहले भारत पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग के बाद ये ट्रेन सर्विस बंद हो गई थी, लेकिन आज ये फिर से शुरू हो गई। इससे आपका ऐतिहासिक परिचय करवाएंगे। एक अच्छी खबर ये भी है कि इसरो ने अपना 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। ये कोरोना काल में दूसरा लॉन्च है। ये भारत के जमीनी इलाकों के अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी कवर करेगा। इस सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिक बधाई के पात्र। लेकिन शुरुआत हम किसान आंदोलन से करते हैं। किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी पहल हुई है। टकराव खत्म करने के लिए कोर्ट ने दखल दिया है। किसान संगठनों और सरकार की बातचीत बंद है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकाला है। कोर्ट ने सरकार और प्रदर्शनकारी दोनों को सलाह और नसीहत दी है। कोर्ट ने कहा प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है, इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन इस अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी न हो। चीफ जस्टिस ने सरकार को सलाह दी कि कुछ वक्त के लिए कानूनों को होल्ड करने पर विचार करें, बातचीत से विवाद सुलझने तक कानूनों को लागू न करने की संभावनाओं पर सरकार सोचे। किसानों और सरकार का विवाद कैसे सुलझेगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी तरीका बताया। इसके लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र कमेटी बनाने के लिए कहा है। इस कमेटी में कृषि मामलों के एक्सपर्ट प्रमुख तौर पर होंगे जो नए कानूनों पर बात करेंगे। इस कमेटी के सामने सरकार और किसान दोनों पक्ष अपनी बात रख सकेंगे और ये कमेटी जिस फैसले पर पहुंचेगी उसे दोनों पक्षों को मानना चाहिए और तब तक किसान अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट का पूरा जोर बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने पर है। मुश्किल ये थी कि सरकार और किसान संगठनों के बीच अब कोई बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत टूट चुकी है, दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हैं और इसी में पिछले 22 दिन से दिल्ली के कई बॉर्डर एक तरह से बंद है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की पहल ने इस आंदोलन को खत्म करने का रास्ता दिखाया। सुप्रीम कोर्ट कृषि कानूनों की वैधता पर सुनवाई नहीं कर रहा है, किसानों के प्रदर्शन और आम नागरिकों के बुनियादी हक से जुड़े मुद्दे पर ही सुनवाई हो रही है, जिस पर चीफ जस्टिस की बेंच ने आज की सुनवाई में बड़ी बातें कही। पहली बात यह है कि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करना बुनियादी हक है, इसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन प्रदर्शन के तरीकों पर गौर करना होगा। दूसरी बात यह कि प्रदर्शन चलता रहे लेकिन रास्ते जाम न हो। तीसरी बात यह कि प्रदर्शनकारी अगर दिल्ली को ब्लॉक करेंगे तो शहर के लोगों तक खाने का सामान नहीं पहुंचेगा। चौथी बात यह कि प्रदर्शन करना तब तक संवैधानिक है जब तक कोई हिंसा नहीं होगी, पुलिस को भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। पांचवी बात यह कि प्रदर्शन का भी एक लक्ष्य होता है जो बातचीत से निकल सकता है और बातचीत से ही हल निकालना चाहिए। आंदोलनकारी किसानों को सड़कों से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई थी। इन्हीं याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। इसी सुनवाई में कोर्ट को पता चला कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत से कोई हल नहीं निकल रहा है, तो कोर्ट ने रास्ता निकालने के लिए कमिटी बनाने को कहा है। मेरे देश महान, तुझे तेरी पहचान बताऊं क्या, तेरा अन्नदाता भूखा मरता, तुझे कृषि प्रधान बताऊं क्या, कितने रोज मरे अन्नदाता, क्या सबकी लिस्ट बताऊं मैं, डूब कर्ज में मर जाते, क्या सबके पते बताऊं मैं, क्या सबके नाम गिनाऊं मैं, हो रहा अन्याय बताऊं क्या, तेरा अन्नदाता भूखा मरता, तुझे कृषि प्रधान बताऊं क्या। 22 दिन हो गए, ना किसान संगठन पीछे हटने को तैयार है, ना ही सरकार झुकने को तैयार है।
आंदोलनकारी किसानों को सड़कों से हटाने के लिए जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई उसमें भी सरकार का कड़ा रुख ही रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि उसे पता चला कि सरकार बातचीत से हल नहीं निकाल पा रही है। इस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि किसान हाँ या ना में जवाब चाहते हैं और अपने स्टैंड पर अड़े हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि बातचीत से ही हल निकलेगा, एक कमेटी बनाई जाए जिसमें दोनों पक्ष अपनी बात रखें और जब तक कमेटी का गठन होता है और कोई फैसला सामने आता है तब तक सरकार कानून को रोक सकती है। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये कानून होल्ड नहीं किया जा सकता, अगर ऐसा हुआ तो फिर किसान आगे बात नहीं करेंगे। सरकार का स्टैंड क्लियर है कि कानून वापस नहीं होंगे। किसान भी डटे हैं कि कानून वापस लेने तक आंदोलन रुकेगा नहीं। ऐसे टकराव में बातचीत जरूरी है जो अभी हो नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कमेटी के जरिए बातचीत का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से पूछा कि क्या आप हमें कोर्ट को एश्योर कर सकते हैं इन तीनों कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगा जब तक सारी यूनियन सारे किसान सब बैठ के बात ना कर लें, सब मिलके सरकार और उसका समाधान ना निकल आए तब तक आप हमें श्योर कीजिए जिससे कि आगे की शांति बनी रखे। और इस पर कोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कहा हम इस पर आपको बताएंगे, सरकार से बात करके हम इस पर आगे इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर ये चाहता है हमारे साथ टेबल टॉक करना, 5 बार इसने कर लिया है, 6वीं बार भी हम बैठने को तैयार हैं, टेबल टॉक करने की तैयारी है हमारी। और ये सिर्फ एक काम कर दे, उसका लाइव दिखा दे, पूरी दुनिया को लाइव दिखा दे कि क्या बात हो रही है। वो अगर ये बिल मतलब इनको मतलब रद्द भी करना चाहता है तो वो जो सोचता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को आगे करके तो ये मैं बिल वापस ले सकता हूँ। सवाल यही है कि अगर बातचीत से मकसद हल हो सकता है तो ऐसे धरने का क्या मतलब, रास्तों को ऐसे बंद करने का क्या मतलब जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों को बंद कर देना, अपनी मांग मनवाने और किसी आंदोलन का ये तरीका कितना सही है, सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहले भी आ चुकी है और किसान आंदोलन पर यही बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। रास्ता तो बंद करते ही नहीं हम कभी भी, रास्ता तो बंद पुलिस करे, बैरिकेटिंग क्या भारतीय किसान यूनियन लिख के रास्ता रोक रखा, हमने रास्ता जाम कर रखा। हम किसानों ने कहा बंद करके रखा, ये तो सरकार छोड़ दे, हम प्रोटेस्ट करके चले जाएंगे, क्या दिल्ली में हम प्रवेश नहीं कर सकते, क्या हम पाकिस्तान से आए हैं, हमको अधिकार नहीं दिल्ली में हम विरोध कर सकते, डेमोक्रेसी जो कोई भी विरोध कर सकता है, हमारे उत्तर गलत इल्जाम लाया। हम लोग सड़क पर धरना प्रदर्शन करने नहीं आए थे, हम लोग रामलीला मैदान जाने वाले थे। कोर्ट का ये जो कहना है ये हमारे संविधान के दायरे में है, उसी दायरे में हम भी काम कर रहे हैं और संविधान के दायरे में रहकर हमारा आंदोलन चल रहा है, पूरी तरह अहिंसात्मक है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील हरी सालवे ने दलीलें दी, ये कहा कि प्रदर्शन से दिल्ली वालों को दिक्कत हो रही है, रास्ते बंद होने से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दिल्ली के लोग गुरुग्राम नोएडा काम के लिए जाते हैं, उन्हें मुश्किलें आ रही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह से शहर को ब्लॉक नहीं कर सकते, शहर के लोगों को भूखा रखना पड़ सकता है, बातचीत से भी प्रदर्शन का मकसद पूरा हो सकता है, सिर्फ प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। प्रोटेस्ट के दौरान इस एजिटेशन के दौरान वो किसी और नागरिक का जो उनका हक होता है संविधान के अंदर उसे ना वायलेट करे, स्पेशली कोई न्यूसेंस वैल्यू या रोड ब्लॉक ना करे, यही हमारी मांग है। और खास करके शाहीनबाग के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस है उस चीज को मद्देनजर रखते हुए उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए, यही पिटीशन का कहना है। एक तरफ किसानों के अधिकार हैं, एक तरफ दिल्ली एनसीआर के आम लोगों के अधिकार हैं, दोनों अधिकारों के बीच अब इस आंदोलन की गेंद सुप्रीम कोर्ट में है। सरकारों और किसानों के बीच अटकी हुई बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज दोबारा सुझाव दिया कि शायद कृषि विशेषज्ञों की मदद लेकर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। कोर्ट ने यह भी सरकार से पूछा है कि क्या इन कृषि कानूनों के अमल पर थोड़ी रोक लगाई जा सकती है, थोड़ी देरी की जा सकती है, ताकि किसानों को यह आश्वासन मिले कि सरकार जो है वो उनसे बात करने के बारे में सीरियस है। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने यह कहा है कि जिस तरह किसान अपनी बात को लेकर, किसान कानून वापस लेने को लेकर अड़े हुए हैं, बीच का रास्ता निकलना थोड़ा मुश्किल है, खासतौर से तब जब किसान बात करने को तैयार ना हो। अब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किसान यूनियंस को भी और सरकार को भी दोबारा से नोटिस भेजकर कहा है कि आप अपनी बात रखें।
किसान आंदोलन पर सरकार भी लगातार मंथन कर रही है। आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक की। इसमें बीजेपी के कई महासचिव भी शामिल हुए। इसके बाद देर शाम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 पन्ने की एक चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर किसान से यह अपील की है कि वो इस चिट्ठी को पढ़ें जरूर, क्योंकि इसमें एक एक भ्रम को दूर किया गया है और किसानों को पूरा भरोसा दिया गया है। इस चिट्ठी में कृषि मंत्री ने कानूनों पर फैलाए जा रहे झूठ को ध्वस्त करने वाले सच बताए। उन्होंने इन बातों को झूठा बताया कि एमएसपी सिस्टम खत्म होगा, एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही हैं। सच यह है कि एमएसपी का सिस्टम जारी है और जारी रहेगा। एपीएमसी मंडियां बनी रहेंगी और एपीएमसी मंडियां नए कानूनों के दायरे से बाहर है। दूसरा झूठ यह है कि किसानों की जमीन खतरे में है। इसका सच यह है कि अग्रीमेंट फसलों के लिए होगा न कि जमीन के लिए। किसानों की जमीन की बिक्री, लीज या गिरवी रखने समेत जमीन के किसी ट्रांसफर का कोई अग्रीमेंट नहीं होगा। तीसरा झूठ यह है कि किसानों पर किसी तरह के बकाए के बदले में कॉन्ट्रैक्टर्स उनकी जमीन हथियार लेंगे। सरकार के मुताबिक सच यह है कि हालात चाहे जो भी हो, किसानों की जमीन सुरक्षित है। चौथा झूठ यह है कि किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा। सच यह है कि किसानों का भुगतान तय समय सीमा के अंदर होगा। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी, जुर्माना लगेगा। पांचवां झूठ यह है कि किसान कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकता। सच यह है कि किसान किसी भी समय कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। छठा झूठ यह है कि पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई। सच यह है कि कई राज्यों में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मंजूरी दे रखी है। कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून भी हैं। सातवां झूठ यह है कि नए कानूनों पर कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया, कोई चर्चा नहीं की गई। सरकार के अनुसार सच यह है कि 2 दशक से इन कानूनों पर विचार विमर्श हुआ है। वर्ष 2000 में पहली बार इन पर कमेटी बनी थी। नए कानूनों पर सरकार ने किसानों को 8 बातों पर भरोसा भी दिया। पहली बात, एमएसपी के बारे में सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। दूसरी बात, एपीएमसी से बाहर प्राइवेट मंडियों पर राज्यों को टैक्स लगाने की अनुमति दी जा सकती है। तीसरी बात, किसी भी विवाद का समाधान करने के लिए किसानों के पास अदालत जाने का विकल्प होगा। चौथी बात, राज्यों को कृषि अग्रीमेंट रजिस्टर्ड करने का अधिकार होगा। पांचवी बात, किसानों की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। छठी बात, कॉन्ट्रैक्टर किसानों की जमीन पर किसी तरह का स्थायी बदलाव नहीं कर सकते। सातवीं बात, किसानों की जमीन पर अस्थायी निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को किसी तरह का लोन नहीं मिलेगा। और आठवीं बात, स्थितियां चाहे जो हो, कानून किसानों की जमीन जब्त करने की किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं देगा। किसान आंदोलन पर पॉलिटिक्स भी नॉनस्टॉप चल रही है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानूनों की कॉपी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। केजरीवाल से पहले उनके कई विधायकों ने भी इन कानूनों की कॉपी के टुकड़े किए, लेकिन इसके बाद खुद वो जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने भी यही किया। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री ही इस तरह से विधानसभा के अंदर कानून की प्रतियां फाड़ दे। हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। केस इसलिए था कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, इसलिए ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। हमारे वकील ने खड़े होकर कहा जी इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, आज अगर अभी केंद्र सरकार 1 घंटे में इनकी मांग मान ले, धरना उठ जाएगा। धरना क्यों नहीं उठ रहा? धरना इसलिए नहीं उठ रहा, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। तो केंद्र सरकार का वकील बोलता है कि ये दिल्ली सरकार तो का वकील तो किसानों का वकील बन के बना हुआ है। मैं केंद्र सरकार वाले को कहना चाहता हूँ, तुम भी किसानों के वकील बनो, तुम भी किसानों का काम किसके लिए करो। किसान इस देश का निर्माता है, और अगर किसानों की वकालत नहीं करोगे तो किसकी वकालत करोगे? दलालों की वकालत करोगे? असल में कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल में होड़ भी है कि कौन पंजाब के किसानों का ज्यादा हमदर्द है, क्योंकि किसान आंदोलन मुख्य तौर पर पंजाब के किसानों ने खड़ा किया है। दिलचस्प ये भी है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में पंजाब सरकार की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील पी चिदम्बरम ने पक्ष रखा और ये कहा कि अगर किसान शांति से दिल्ली जाना चाहते थे तो सरकार ने उन्हें बॉर्डर पर रोका क्यों। सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई में पार्टी न बनाने से दिल्ली सरकार नाराज थी। इससे अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखी, लेकिन केजरीवाल ने बिल फाड़कर हिसाब बराबर कर दिया। खबरदार में अब हम देश में वैक्सीन डे की तैयारियों का जायजा लेंगे और देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन के रोड मैप की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वैक्सीन के आने का बेसब्री से इंतजार है, जो जल्द ही खत्म हो सकता है।
लेकिन तब तक भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने में जुटा है। सभी राज्यों में वैक्सीन के स्टोरेज, वितरण और टीकाकरण को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। वैक्सीन की कोल्ड चेन को बनाए रखने के लिए डीप फ्रीजर और दूसरे साधनों का इंतजाम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव को अंजाम देने के लिए चुने गए स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर वैक्सीन की कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की ही बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कुल 29,000 कोल्ड चेन, 240 वॉक इन कूलर, 70 वॉक इन फ्रीजर, 45,000 रेफ्रिजरेटर, 41,000 डीप फ्रीजर के अलावा 300 सोलर रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल किए जाएंगे। आज तक ने दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखने वाली ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद हम आपको वैक्सीन से जुड़ी आपके काम की बहुत सारी जानकारियां देंगे। कुछ ही वक्त रह गया है, देश को कोरोना वैक्सीन मिलने ही वाली है। सभी राज्य वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने के लिए तैयार हैं, देश की राजधानी भी। सबसे पहले समझिए कि दिल्ली में वैक्सीन पहुंचेगी तो कहां और कैसे स्टोर की जाएगी। दिल्ली में वैक्सीन रखने के लिए 609 कोल्ड चेन पॉइंट्स तैयार हैं। यहाँ डीप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, वॉकिंग कूलर, वैक्सीन कैरियर, थर्मोकोल कैरियर जैसे उपकरण पहुंच चुके हैं। ये कोल्ड स्टोरेज दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर मोहल्ला क्लिनिक तक में तैयार किए गए हैं, जिनके मैनेजमेंट के लिए 1800 स्वास्थ्य कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना की जितनी भी वैक्सीन आएंगी वो सबसे पहले राजीव गांधी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुंचाई जाएंगी, यहीं से फिर पूरी दिल्ली में बांटी जाएंगी। दिल्ली में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और मेरे पीछे ये 3 मंजिला इमारत जो है बनेगी एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, जहां पर जब वैक्सीन डिसाइड हो जाएगी वो यहां आकर स्टोर होगी। -40 डिग्री से नीचे तक के टेम्परेचर्स में यहां पर वैक्सीन स्टोर होगी। यहां पर हमने एक यूटिलिटी एरिया अलॉट किया है जिसका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर हमने दिया है और यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल और सिविल वर्क जोर शोर पे है और हम कोशिश करेंगे अगले 10 से 12 दिन में इसे पूरा करके हम हैंडओवर कर दें ताकि यहां बड़े बड़े फ्रीजर्स और रेफ्रिजरेटर्स जो आने हैं वो आ जाएं जिनमें कोविड वैक्सीन स्टोर हो सके। वैक्सीन स्टोरेज के साथ साथ वैक्सीनेशन ड्राइव को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। इसके लिए 3500 स्वास्थ्य कर्मचारियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से करीब 600 स्वास्थ्य कर्मी प्राइवेट सेक्टर से हैं। दिल्ली के टीकाकरण अधिकारी पहले ही केंद्र से प्रशिक्षण ले चुके हैं और वो अब स्वास्थ्य कर्मचारियों को राज्य स्तर पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। चुने गए स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन देने की ट्रेनिंग के अलावा वैक्सीन स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वैक्सीन के लिए लगभग 3500 के करीब स्वास्थ्य कर्मचारियों को आइडेंटिफाई किया गया, इसमें से 1800 हमारे कर्मचारी जो है वो कोल्ड चेन पॉइंट्स पे रहेंगे, जिसमें कि 2 हमारे इनोकुलेटर्स रहेंगे। इसके अलावा हमारे 800 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि जिसमें से 600 के करीब प्राइवेट सेक्टर से हैं और 200 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि हमारे कैंटोनमेंट हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं, इस प्रकार के अस्पतालों से हैं। इसके अलावा हमारे पास में 600 मेडिकल ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको हम ट्रेन करेंगे जो कि हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स को मॉनिटर भी करेंगे। कोरोना महामारी से जंग लड़ती दिल्ली की वैक्सीन वाली ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। वैक्सीन आते ही पहले चरण में जिन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी उनके नाम, पते और डिटेल्स भी नोट किए जा चुके हैं। दिल्ली में करीब 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं, तो फर्स्ट फेज में उनको लगेगा। सेकंड फेज में अभी ये प्लान है कि जो लोग 50 या 60 ईयर्स हैं, अभी क्लियर नहीं है कि 50 डेडलाइन रहेगी या 60 रहेगी, और जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको सेकंड फेज में वैक्सीन दिया जाएगा और थर्ड फेज में फिर जो आम जनता को वैक्सीन लगेगी। यानी सिर्फ वैक्सीन आने की देर है, जैसे ही वैक्सीन आएगी बिना एक मिनट की देरी किए दिल्ली वालों को लगनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां ऐसी हैं कि इस महीने के आखिर में या अगले महीने की शुरुआत में वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या होगी, पूरी दिल्ली को वैक्सीन मिलने में कितना समय लगेगा, क्या सभी को वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए आज तक ने दिल्ली में वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़े एक्सपर्ट से बात की। हमारी अगली रिपोर्ट इसी पर आधारित है। कोरोना से जंग में जो अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे हैं वो हैं स्वास्थ्य कर्मी, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाने में जुटे हैं। देश में वैक्सीनेशन के पहले चरण में इन कोरोना वॉरियर्स को ही वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली में ऐसे 1,80,000 स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिसमें 50,000 प्राइवेट सेक्टर के हैं। देखिए, फर्स्ट फेज में करीब, जैसे मैंने बताया, 1.5 लाख लोग हैं, तो 100-100 लोगों की एक डिजाइन प्लान है कि एक सेंटर पे 100 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, और एक टीम है 6 लोगों की जिसमें वैक्सीनेटर्स हैं और लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए 6 लोगों की टीम है। वो टीम ही उनको 100 लोगों को एक डेजिनेटेड प्लान प्लेस पे, उनको कोई SMS आएगा या कोई मेल आएगा, और उस मेल के थ्रू उनको उस वक्त पे जब उनको बुलाया जाएगा वहाँ जाके वैक्सीन लगा लेंगे। और ये फर्स्ट फेज को करीब 5 दिन में पूरे करने का टारगेट है कि 5 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। पहला चरण पूरा होने के बाद दूसरे चरण में 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की योजना है, जिसके लिए वैक्सीनेशन बूथ बनाए जाएंगे। हर बूथ में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। देखिए, जो जहां पे वैक्सीन लगेगा उसमें हमने 3 कमरे बनाए हैं। एक कमरे में तो रजिस्ट्रेशन होंगे, दूसरे कमरे में वैक्सीन दिया जाएगा, और तीसरा कमरा वेटिंग रूम होगा जहाँ पे 30 मिनट या 40 मिनट पोस्ट वैक्सीनेशन अगर कोई रिएक्शन होती है, एनाफिलैक्सिस होगी, तो जिसने वैक्सीन लगवाया उसको वहाँ रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। इन केस जो अगर वहाँ कोई रिएक्शन होती है तो हमारी जो वैक्सीनेशन की टीम है उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है या हो रही है, और उसको उस इमरजेंसी सिचुएशन से टैकल करने के लिए एक ट्रेनिंग दी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली समेत देश भर में एक बूथ पर एक दिन में 100 लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। अगर व्यवस्था बेहतर हो तो 200 लोगों को भी वैक्सीन दी जा सकती है। दूसरे फेज में वैक्सीन देने के लिए आम लोगों की लिस्ट आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से तैयार की जाएगी। क्या किसी को किसी तरीके का पहचान पत्र लेकर आना होगा वैक्सीन के दौरान? देखिए, अभी तक जो फेज वन में है, जो लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है तो वो किसी ID के थ्रू रजिस्टर कराया है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है या पासपोर्ट है या जो भी है, तो जो भी उन्होंने वो ID अपनी वहाँ पे रजिस्टर कराई है वही उनको कार्ड वहाँ पे लाना होगा, और वो कार्ड दिखा के वो उनको वैक्सीन वहाँ पे दिया जाएगा। सवाल ये है कि क्या दिल्ली में वैक्सीन सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही लगेगी, या दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली में नौकरी करने वाले लोग भी दिल्ली में वैक्सीन लगवा सकेंगे? अगर यहाँ पर लोग नहीं रहते, बाहर रहते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, तो भी वो वैक्सीन के लिए एलिजिबल होंगे दिल्ली में? हाँ जी, जो भी आदमी यहाँ काम कर रहा है हेल्थ केयर से रिलेटेड, वहाँ वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने का रहने वाला हो और उसका रजिस्ट्रेशन उसने कराया अपना, तो उसको वैक्सीन वो दिया जाएगा। दिल्ली ही नहीं, पूरा देश ये जानना चाहता है कि कोरोना की वैक्सीन आएगी तो क्या उसे लगवाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे या वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी? क्या वैक्सीन फ्री में मुहैया कराई जाएगी? देखिए, अभी तो ये सारी वैक्सीन जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को फ्री में दी जा रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आगे भी ये पूरी जनता को हिंदुस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी। पर अभी क्लियर नहीं है कि 1 डोज आएगी या 2 डोज आएगी और कितनी कॉस्ट रहेगी, और कॉस्ट का मैटर तो गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट ही आपको बता सकती है। दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव का कमोबेश यही ब्लूप्रिंट होगा। अब बस इंतजार वैक्सीन के आने का है। देश का ये इंतजार साल खत्म होते होते पूरा हो सकता है, और नए साल की शुरुआत कोरोना वैक्सीनेशन के साथ हो सकती है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जो प्रक्रिया देश की राजधानी दिल्ली में अपनाई जाएगी वही प्रक्रिया बाकी राज्यों में भी होगी। वैसे एक अच्छी बात यह भी है कि भारत में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू होती दिखाई दे रही है, और अब कोरोना वायरस के खात्मे की शुरुआत भी होने वाली है। हालांकि भारत सरकार ने वैक्सीन प्रोग्राम पर होने वाले खर्च को लेकर कोई अनुमान पेश नहीं किया है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ी संस्था गावी वैक्सीन अलायंस ने बताया है कि भारत को वैक्सीनेशन के पहले चरण के लिए करीब 10,300 करोड़ से लेकर 13,300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं।
भारत ने पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना बनाई है, जिसके लिए 60 करोड़ डोजेस की आवश्यकता होगी। गावी वैक्सीन अलायंस कोवैक्स फैसिलिटी के नाम से एक वैश्विक मुहिम चला रहा है, जिसका मकसद विकसित देशों को छोड़कर सभी देशों की जरूरत के कम से कम 20% वैक्सीन मुफ्त या बेहद कम कीमत पर सप्लाई करना है। गावी वैक्सीन अलायंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कोवैक्स फैसिलिटी के तहत भारत को वैक्सीन के 1925 करोड़ डोज मिले तो पहले चरण के बाकी के डोज खरीदने पर भारत सरकार का खर्च करीब 10,300 करोड़ रुपए आएगा, लेकिन अगर कोवैक्स फैसिलिटी के तहत 9.5 से 12 करोड़ डोज ही मिले तो पहले चरण में वैक्सीन का खर्च बढ़कर 13,257 करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी भारत के सामने चुनौती सिर्फ वैक्सीनेशन को सफल बनाने की नहीं है, बल्कि आर्थिक चुनौतियां भी होंगी। वैसे एक फैक्ट यह भी है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत का स्वास्थ्य बजट सिर्फ 59,000 करोड़ रुपए का है। भारत और बांग्लादेश के बीच की दूरी आज एक रेल लिंक से और सिमट गई। दोनों देशों के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे सेवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने वर्चुअल समिट के दौरान हरी झंडी दिखाई। ये रेल रूट 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बंद हुआ था, लेकिन अब इस पर दोस्ती का रेल की रेल चल पड़ी है। ১৯৬৫ में टूटा एक रेल लिंक 55 साल बाद दोबारा जुड़ गया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिलाहाटी रेल लिंक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने दोबारा शुरू किया। इट इज माई प्रिविलेज टू इन्वाइट बोथ द प्राइम मिनिस्टर्स टू जॉइंटली इनॉग्रेट दिस प्रोजेक्ट बाई प्रेसिंग द लॉन्च बटन। Reopening of the Chilahati-Haldibari route is expected to encourage economic and social developments of the people of both the nation. Haldibari-Chilahati rail link Bharat aur Bangladesh ke beech 5th rail connectivity hai. 1965 Bharat-Pakistan yuddh mein Haldibari-Chilahati rail route band hone se Bharat aur Bangladesh ke lakhon logon ko 55 saal tak pareshani hoti rahi. Isiliye jab Chilahati se pehli train Haldibari pahunchi तो वहाँ मौजूद सैकड़ों लोगों के लिए तो जैसे कोई खोया खजाना मिल गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल रूट से पश्चिम बंगाल के कूचबिहार और जलपाईगुड़ी के लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। यहाँ से कोलकाता पहुँचने के लिए 12 से 16 घंटों वाला रेल सफर 7 से 8 घंटों में पूरा होगा। बांग्लादेश से भारत आने वालों के लिए ये बड़ा तोहफा है। आज हम लोग का बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज 50 से 55 साल बाद हल्दीबाड़ी से बांग्लादेश और इंडिया का बीच एक ट्रेन चालू हो रहा है। ये ट्रेन तो अभी पैसेंजर गुड नहीं है, ये गुड ट्रेन है, लेकिन अगले दिन में हम दावी रखते हैं कि यहाँ पैसेंजर ट्रेन चालू है। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।